पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। जराए के मुताबिक पीटीआई अगले 15 दिन के अंदर इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाएगी। पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से शेड्यूल भी तैयार कर लिया है। पीटीआई की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर रऊफ हसन होंगे। चारों सूबों और वफाक में बैक वक्त इंतखाबात मुनक्किद किए जाएंगे। बानी चेयरमैन इमरान खान के पैनल से बैरिस्टर गौहर खान को चेयरमैन नामजद किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात का इससे कबल भी शेड्यूल जारी किया गया था, जिसके मुताबिक तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात 5 फरवरी को मुनक्किद किए जाने थे। तहरीक इंसाफ के फेडरल इलेक्शन कमिश्नर रऊफ हसन ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात का शेड्यूल जारी किया है। पीटीआई के तमाम रजिस्टर्ड मेंबरान अपनी मर्जी के पैनल या चेयरमैन के उम्मीदवार के हक में मुख्तस मकामात पर वोट डाल सकते हैं। बताया गया है कि पार्टी मेंबरान अपना वोट राबता एप्लीकेशन इंट्रा पार्टी इलेक्शन मॉड्यूल के जरिए भी रिकॉर्ड करा सकते हैं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले तमाम पैनल्स की तफसील पीटीआई की ऑफिशियल वेबसाइट और राबता एप्लीकेशन पर दस्तयाब होंगी। इलेक्शन के तफसीली तरीक़ाकार की वजाहत इलेक्शन रूल्स 2020 में मौजूद है। याद रहे कि तहरीक इंसाफ की जानिब से मुकर्रा वक्त तक पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन न कराने के सबब इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात 2024 में पार्टी को बेट का इंतखाबी निशान अलाट नहीं किया था।